तो हमने बाइंडिंग एनर्जी की, ये बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी में बेसिकली निकालनी आती है मास इफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो किसकी एनर्जी निकालनी है बाइंडिंग अल्फा पार्टिकल की इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, एक प्रोटॉन का मास गिवन है, एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है, एक हीलियम न्यूक्लियस का मास गिवन है, और आपको यह भी पता है 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस बनाने में कितने प्रोटॉन चाहिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्यों, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम 4-2, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअल मास निकालते हैं प्रोटॉन का। तो 2 × मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे 2 न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास निकालते हैं 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करते हैं तो ये मास आ जाता है किसका, इंडिविजुअल मास प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का। इसके बाद हीलियम न्यूक्लियस का मास आपको क्वेश्चन में ऊपर गिवन है ये रहा, तो टोटल मास इंडिविजुअल आ गया, हीलियम न्यूक्लियस का मास आ गया, दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, मास का डिफेक्ट आ गया। तो पहले इंडिविजुअल मास निकाल लेना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस के मास को माइनस कर देना है, तो ये क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया एएमयू में। पर हमें आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो एएमयू को एमईवी में कन्वर्ट करने के लिए 931 से मल्टीप्लाई आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सही है, इसके वैल्यूज थोड़ी कम दी है हमें, इसको वैल्यूज देनी चाहिए थी, ये शायद मिस प्रिंट हो गया, इसमें समझा देता हूं। एक्सप्रेस वन अटोमिक मास यूनिट AMU इन जूल्स एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने किया है 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको चाहो तो जूल में कभी भी कन्वर्ट कर लो, ये तो सिंपल कन्वर्जन है। फिर वो कह रहा है कि ऑक्सीजन 16-8 की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। ऑक्सीजन 16-8 में 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो पहले इंडिविजुअल मास किसका निकलेगा, 8 प्रोटॉन्स का, पर ये वैल्यू उसको देनी चाहिए थी प्रोटॉन की कितनी है, ये मिस कर गया, ये गिवन होती है, ऐसी 8 न्यूट्रॉन्स की वैल्यू देनी चाहिए थी, तो 8 से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल मास आ गया ऐड करके न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का। फिर ये भी देना चाहिए था ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का मास कितना है, वैसे तो 16 है, 15.999 जो भी है, फिर इन्हें माइनस करके मास इफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज मिसिंग है इसमें, पर चलो कोई बात नहीं, 11th क्वेश्चन में पूरी वैल्यूज गिवन है, 11th क्वेश्चन पढ़ें। देखो कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो, ओ अंडरलाइन कैसे, शीट नहीं आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ऊपर के क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी के हैं। कैल्शियम 40-20, देखो न्यूक्लियस का मास दे रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटोन का एक एक का मास दे रहा है, तो कैल्शियम 40-20 में 20 प्रोटोन है और 20 न्यूट्रॉन है, इंडिविजुअल मास प्रोटोन का न्यूट्रॉन का एड किया, कैल्शियम के न्यूक्लियस से माइनस किया, मास इफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई किया, क्या ही बाइंडिंग एनर्जी, और उसने क्या पूछा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं, 40, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 40, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, इंपॉर्टेंट शीट है, तो मैं ये प्रिंट आउट दे दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा, तो ये आपने क्या करना है, इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम को ट्राई करना है, ठीक है, 2-4 प्रॉब्लम ट्राई करना ताकि आपको आइडिया होगा। क्लियर है यहां तक, तो कैसे न्यूमेरिकल आते हैं समझ में आ रहा है।